गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज संडे है, 5 अप्रैल 2020। देख सकते हो 10:30 पौने 11 के आसपास का टाइम हो रहा है। आज संडे है, आज मार्केट बंद है, फिर भी आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ गाइज आपके लिए। मुझे कमेंट्स में से पता चला है कि कुछ लोगों को स्ट्रैटेजी को यूज़ करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है। एंड देर आर सर्टन कमेंट्स जहाँ पे पूछा गया है कि भाई इस स्ट्रैटेजी को हम लोग सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में यूज़ कर सकते हैं क्या, या फिर हम इस स्ट्रैटेजी को स्टॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे कमेंट्स का आंसर करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। स्पेशली एक सब्सक्राइबर है, उन्हें आई एम रियली सॉरी, बट उन्हें लॉस हुआ ये स्ट्रेटजी यूज़ करते वक्त। शायद ये मेरी गलती है कि मैंने प्रॉपरली एंट्री और एग्ज़िट जो है ये अपने वीडियोस में, लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी गाइस, तो बोलते हैं ना, भले ही मैंने कितनी बार भी कोशिश की है कि मैं कंफर्मेशन लेने के बाद एंट्री ले रहा हूँ, ये दिखाने के लिए कोशिश की है, पर शायद मैं बोला नहीं था ये बात को, इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई ये बात। तो दैट्स द सिंगल रीज़न वाई मैंने आज ये वीडियो बनाया है, जहाँ पे मैं आपको इन डिटेल बताना चाह रहा हूँ कि हम एंट्री कैसे ले सकते हैं और किस तरीके से एंट्री लेंगे तो अपना स्टॉप लॉस जो है ये इंटैक्ट रहेगा, स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करना है और एग्जिट कहाँ करना है, ये सब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पर वीडियो शुरू करने के पहले, मतलब ये सब बताने के पहले, आई रियली थैंक यू ऑल गाइज कि आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया। हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं एंड विद इन अ डे, आज मैं जब देख रहा था तो आई वॉज रियली अमेज्ड कि 1500 सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस हो चुका है। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बोला कि 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाने के बाद वॉट आई विल डू इज़ मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी करूँगा, सो सून वी विल डू लाइव स्ट्रीमिंग एज वेल। मैं आज वही लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप करने के लिए मैंने लैपटॉप ओपन किया है। कल का दिन भी हॉलीडे है, कल भी वीडियो नहीं आएगा, कल ट्रेडिंग हॉलीडे है गाइज, तो कल ट्रेडिंग हॉलीडे के बाद ट्यूसडे का वीडियो देखते हैं। अगर सेटअप प्रॉपर हो गया और मैं समझ पाया कि किस तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो हम लोग ट्यूसडे के दिन लाइव स्ट्रीमिंग कर लेंगे या फिर वेनसडे के दिन लाइव स्ट्रीमिंग। मैं प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन आई फर्स्ट अंडरस्टैंड कि लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करते हैं। अब गाइज, शुरू करते हैं हम लोग आज के मेन टॉपिक को कि एंट्री कैसे लेनी है और इस सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को यूज़ कैसे करना है। अच्छा गाइज, किसी ने मुझे कमेंट में ये भी पूछा था कि क्या ये ट्रेंड ट्रेडर करण करके एक और यूट्यूबर है, ही इज़ अ वेरी बिग यूट्यूबर, तो क्या ये उनके टूल जैसा है या क्या ये उनका टूल है। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो टूल है वो सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे यूज़ होता है, मैं ज़ेरोधा पे यूज़ कर रहा हूँ तो ये उनका टूल नहीं है। सेकेंड थिंग, क्या ये उनके टूल जैसा है, सो सम वॉट इट कैन शो सिमिलैरिटीज़, बट ये उनके टूल जैसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज, क्योंकि ये एक सिंपल सा इंडिकेटर है। अच्छा, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का नाम है, इस इंडिकेटर का नाम है, इसके बेसिस पे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी गाइज मैंने बनाई है, मतलब मैंने खुद कैलकुलेशंस कर करके मैंने इस स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन किया था। अब ये स्ट्रैटेजी मैंने, मेरे लिए फ़ायदेमंद रही तो मैंने सबको बता दिया। अब जब सबको बताया तब एट द सेम टाइम या उसके थोड़े टाइम पहले ट्रेंड ट्रेडर करण ने अपना एक इंडिकेटर, अपना एक टूल लॉन्च किया था, तो आई वॉज हैविंग नो आइडिया अबाउट इट कि उन्होंने ये लॉन्च किया है। बट येस, अगर आपको ये सिमिलर लग रहा है तो थैंक्स अ लॉट, इट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर मी कि इतने बड़े इंसान के इंडिकेटर के साथ, इतने बड़े इंसान के टूल के साथ आप इस छोटे से इंडिकेटर को और ये मेरे छोटे से स्ट्रैटेजी को कंपेयर कर रहे हो और रिलेट कर रहे हो, सो आई एम रियली हैप्पी फॉर इट। अब गाइज, बात करेंगे हम लोग कि किस तरीके से हमें एंट्री लेनी है टू अवॉइड सम लॉसेस। तो हम लोग इस चीज़ के लिए शुरू करेंगे, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एशियन पेंट्स के बारे में बताया, तो हम लोग एशियन पेंट्स को ही देखते हैं, बिकॉज ही हैड डाउट कि बॉस हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं इन एशियन पेंट्स, यहाँ पे अगर इस यूज़ करते हैं तो फंस जाएंगे। तो सबसे पहले हम 30 मिनट की कैंडल पे जाते हैं
अब गाइस कुछ लोगों को ये नहीं पता कि ये जो यहाँ पे टूल बॉक्स आता है ये कैसे आता है। यहाँ पे आपको आपको ब्लू आइकॉन दिख रहा है ना, यहाँ पे हाइड ड्राइंग टूल बार, तो ये ऐसे ब्लू आइकॉन इधर नीचे दिखता है आपको, तो बस आपको ये ब्लू आइकॉन पे क्लिक करना है, आपको ये टूल बार आ जाता है। तो गाइस अभी जो मेरे फ्रेंड ने मेरे पास एक क्वेरी लाई थी, हम लोग उस क्वेरी को देखेंगे। ही हैड अ वेरी सिंपल क्वेरी, और ये शायद क्वेरी सबको आ जाएगी जब वो चार्ट देखेंगे। यहाँ पे अपना इंडिकेटर इंटैक्ट है, ओके। अब इंडिकेटर इंटैक्ट है तो फिर यहाँ पे देखो क्या हो गया। यहाँ पे अपने को एक बाइंग सिग्नल मिला, बाइंग सिग्नल के इमीजिएट बाद अपने को एक रेड कैंडल मिली, और उसके बाद सेलिंग सिग्नल मिला। इन शॉर्ट यहाँ पे अगर कोई एंट्री लेता तो उसको नुकसान हो जाता। तो गाइज मैंने इसके पहले भी बहुत बार बोला है, अब ये सिग्नल कब आएगा? ये सिग्नल आएगा जब आपकी ये कैंडल खत्म हो जाएगी, उसके बाद ही एक सिग्नल आएगा। अब कैंडल खत्म होने के बाद आपको सिग्नल आया, आपको सबसे पहले तो मैंने बहुत बार बोला है कि ये कैंडल खत्म होने तक आपको इंतजार करना है। अच्छा दूसरी बात, जब ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई होगी तो ये कैंडल जैसे ही ओपन हुई थोड़ी देर के लिए ग्रीन गई रहेगी, उसके बाद ये वापस से रेड पे ही जा रही थी। तो जब आप देखते हो कि ऐसी कोई कैंडल चल रही है जो वापस से रेड जा रही है, तो वाई यू वुड एंटर इन टू दैट कैंडल, आपको एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आपके लॉसेस को अवॉइड करोगे। आपको कैंडल रुक के देखना है, एक कैंडल हो गया दूसरा कैंडल देखोगे वहां पे ऐसा सीन हो रहा है तो आप एंट्री नहीं लोगे। इट्स सिंपल, एक वेरी सिंपल थिंग है, एक लॉजिकल बात है ये। ऐसा तो नहीं है ना कि आपको इंडिकेटर मिल गया तो आप इमिजिएटली एंट्री ले लोगे अंधाधुंध, ऐसा तो नहीं कर सकते। मैं अपने खुद के ट्रेड में कभी ऐसा नहीं किया। आई ऑलवेज वेटेड फॉर इट, कि मैं वेट किया एक प्रॉपर एंट्री मिलने के लिए, उसके बाद ही मैंने एंट्री लिया है। अब दूसरी बात, अभी यहाँ पे हमको एंट्री मिली तो एंट्री मतलब इंडिकेट हुआ कि ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो क्या इस कैंडल पे कहाँ पे एंट्री करनी है? ये 30 मिनट की कैंडल है, इधर कहाँ पे एंट्री करनी है? तो यहाँ पे 30 मिनट की कैंडल में व्हाट आई जनरली रिकमेंड इज, आप एटलीस्ट ये जो नेक्स्ट 30 मिनट की कैंडल है उसको एक 10-15 मिनट के लिए तो एनालाइज कर लो। 10-15 मिनट में देख लो कि कैंडल कैसे बिहेव कर रही है, क्या वो कैंडल ग्रीन है या क्या वो कैंडल रेड ही है। अगर रेड जा रही है तो अच्छी बात है, आप डायरेक्टली एंट्री ले लो, पर अगर रेड नहीं जा रही है सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम, हैव अ कन्फर्मेशन एंड देन एंटर। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखोगे तो इंडिकेटर तो बहुत पहले ही आ गया था कि हाँ ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है, फिर भी मैंने एंट्री लेते टाइम पे आई जस्ट कैलकुलेटेड एवरीथिंग। मैं रुके रहा, मैं कन्फर्मेशन लिया कि कहीं से भी रिट्रेसमेंट तो नहीं हो रहा है ना, कहीं से भी मार्केट ऊपर तो नहीं जाने वाला ना, और उसके बाद मैंने एंट्री लिया। सो आई एक्सपेक्ट दैट एवरीवन शुड लर्न दिस थिंग्स, दिस स्मॉल थिंग्स फ्रॉम द वीडियो इटसेल्फ। मतलब कैसा है कि हर एक चीज़ डिटेल में बताते बैठने के लिए उतना टाइम नहीं रहता, क्योंकि सबसे पहले मैं लाइव ट्रेडिंग कर रहा रहता हूँ, तो उस चीज़ में कभी कभी कुछ चीज़ें मिस हो जाती है, लेकिन एक्सप्लेनेशन मतलब एक्सप्लेनेशन मिस हो जाता रहेगा, लेकिन दिख के तो आता है, ओके। तो फिर भी खैर एनीवेज, मैं वापस से इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। अब आपको एंट्री किधर लेना है, स्टॉप लॉस किधर रखना है। अगर आप इस कैंडल में आपको एंट्री करने के लिए आप 1 मिनट का कैंडल भी चेक कर सकते हो, या फिर यहाँ पे अगर आप एंट्री ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल फॉर एन इंस्टेंस आप इसके क्लोजिंग के लिए रुके हो, आपको दिख रहा है कि ये कैंडल इधर शुरू हुई इस रीजन पे। अब इधर शुरू होने के बाद ये कैंडल यहाँ पे शुरू हुई, यहाँ पे शुरू होने के बाद ये पूरा थोड़ी देर के लिए ऊपर गई, थोड़ी देर के ऊपर जाने के बाद ये ग्रीन रेड ही जा रही है, नीचे ही जा रही है। तो जब आप ये देख चुके हो कि ये नीचे जा रही है, तो ये कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अगर इधर भी एंट्री लेते हो या इधर इसके एंडिंग में क्लोजिंग में एंट्री लेते हो, फॉर एग्जाम्पल ये 9:15 की कैंडल है गाइस, तो आप सपोज 9:44 9:45 के आसपास ये कैंडल इधर आई थी, आपने इधर एंट्री ले ली फॉर एग्जाम्पल, तो आपने अगर इधर एंट्री ले ली तो आपका स्टॉप लॉस किधर रहेगा? तो आप एंट्री जब लोगे, आप जिस भी पॉइंट पे एंट्री लेते हो, यहाँ पे हम लोग शॉर्टिंग पोजीशन ले लेंगे, सपोज आप इस पॉइंट पे एंट्री लेते हो, तो आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा ये इसकी प्रीवियस कैंडल का ओपनिंग रहेगा, ओके। मतलब ये प्रीवियस कैंडल का जो ये बॉडी खत्म हुआ है ना गाइस, ये रहेगा, ओके। अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ये रह गया, तो 45 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, तो आपका टारगेट कितना रहना चाहिए?
जैसे मैंने हर इसमें बोला है 1:1 रेशियो के हिसाब से आपका 45 पॉइंट्स का टारगेट होना चाहिए। तो जब आप 1:1 रेशियो रखते हो गाइस, तो आपको क्लियरली प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है। आई जस्ट होप आपको एंट्री समझ में आई होगी। आपको कंफर्मेशन लेना है, उसके बाद आपको एंट्री लेनी है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो सिर्फ 30 मिनट्स की कैंडल चल रही है, 1 मिनट की कैंडल आपने लाई ही नहीं। तो हम लोग अभी 1 मिनट की कैंडल भी यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। हम ये टू स्क्रीन्स पे जाते हैं, इस पार्ट को हम लोग चेंज कर देंगे टू 1 मिनट कैंडल। ओके, अब 1 मिनट की कैंडल में देखो, मैंने एंट्री तो आपको बता दी कहाँ पे ले रही है, ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब 1 मिनट की कैंडल पे जाएंगे तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि एंट्री का पॉइंट अपना करीब करीब इधर है, ये पॉइंट है, ठीक है। अब ये पॉइंट कैसे हुआ, एंट्री का जो अपना पॉइंट है ये करीब करीब इस पॉइंट पे, इस जोन पे। अब ये पॉइंट एंट्री हो गई, और मैंने स्टॉप लॉस आपको पहले ही बता दिया था, स्टॉप लॉस वाज ऑफ 46 पॉइंट्स। नियर अराउंड दिस रीजन 46 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था आपका, और 46 पॉइंट्स का आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। इसको हम आगे मूव कर लेते, देखते टारगेट कब हिट हुआ। ओके, अब गाइज यहाँ पे देख लो, हमने एंट्री इधर क्यों ली, एक सिंपल सी रीजन, सिंपल सी बात है। आप यहाँ पे देख सकते हो, टाइमिंग भी देख सकते हो, क्या टाइम हो रहा है यहाँ पे एंट्री का, 9:43। मैंने बोला आप कंफर्मेशन के लिए रुको, और कंफर्मेशन के बाद आप एंट्री लो। अभी ये नॉर्मल स्टॉक में चल रहा है, आप कंफर्मेशन के बाद एंट्री ले रहे हो, आपका 9:43। ये 9:43 कब हो रहा है, इस कैंडल के क्लोजिंग के आसपास हो रहा है ये टाइम। तो इस कैंडल के क्लोजिंग के आसपास आपने एंट्री ले ली तो आपका प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप कोई भी स्टॉक ले लेते हो, यहाँ पे अगर हम चेंज करते हैं, चलो दूसरा कोई कंपनी देख लेते हैं, NIIT टेक देख लेते हैं। अब NIIT टेक में भी यही सिनारियो रहेगा, आप NIIT टेक देख लो, 30 मिनट का कैंडल है। 30 मिनट की कैंडल पे एक सिंपल सी बात बताओ गाइस, आपको यहाँ पे सेल सिग्नल दिया, लेकिन इमीडिएट दूसरी कैंडल जब ग्रीन चल रही थी, तो आप इसमें क्यों ये करोगे, एंट्री क्यों लोगे? ऑब्वियस सी बात है ना कि आप एंट्री नहीं लोगे, यू विल वेट। अच्छा, जब यहाँ पे आपको एक रेड सिग्नल दिया, आप ये पूरी कैंडल के लिए रुकोगे, उसके बाद आपने इस कैंडल को भी देखा, इस कैंडल को देखते टाइम पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इस कैंडल की स्ट्रेंथ एकदम अच्छी खासी है, स्ट्रांग स्ट्रेंथ है, बॉडी अच्छी खासी है। तो जब इसकी लेंथ अच्छी है, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, तो आप क्या करोगे, आप इस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री लोगे। तो अगर आपने इस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री लिए यहाँ पे, तो आपका स्टॉप लॉस किधर रहना चाहिए, स्टॉप लॉस रहना चाहिए ये कैंडल का हाई, ठीक है, और 50 पॉइंट्स। और आपका टारगेट भी रखेंगे हम लोग 1:1 रेशियो के हिसाब से 50 पॉइंट्स का। तो जब आप 1:1 रेशियो के हिसाब से चलते हो कंटिन्यूअसली, तो गाइज आपको लॉस बेयर करने की नौबत नहीं आएगी। और अगर इन केस आता भी है तो क्या होगा गाइज, अगर आप 10 ट्रेड अच्छे से कर रहे हो, 10 दिन आपको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 10 दिन आपका, 10 दिन का एनालिसिस करते हैं, आप ये सेम स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने खुद का मनी मैनेजमेंट, आपका खुद का दिमाग एकदम स्ट्रांग रखा है कि आप 1:1 रेशियो के हिसाब से ही चलोगे। तो अगर आप 1:1 रेशियो के हिसाब से ही चलोगे, ऐसी अगर बात है, तो गाइज आपको नुकसान होने की बात ही नहीं आ रही है। क्यों नुकसान होने की बात नहीं आ रही है, क्योंकि आप अगर 10 दिन के ट्रेड में आपके 8 ट्रेड एकदम प्रॉपर रहे, आप दिन का 5,000 कमा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने 8 ट्रेड ऐसे किए कि आप 5,000-5,000 कमा लिए, तो आप 40,000 कमा लिए, लेकिन आपके 2 ट्रेड जो थे वो अनसक्सेसफुल रहे, आपको लॉस हो गया,
मार्केट में कोई न्यूज आ गई, मार्केट ऊपर नीचे हो गया, लॉस हो गया, कोई बात नहीं, लॉस हुआ, कितने का लॉस होगा, 2 दिन पकड़ के भी आपका टोटल 5,000 एक दिन का, 5,000 दूसरे दिन का, 10,000 का लॉस होगा। पर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपने ओवरऑल 30,000 का प्रॉफिट ही तो किया है, ठीक है। अब मेरे वीडियोस में कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि सर आप ये पेशेंस कहाँ से लाते हो। गाइज, ये पेशेंस इसी वजह से आता है क्योंकि मैं अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रस्ट रखता हूँ, और अगर मार्केट में कभी कोई न्यूज़ आती है तो लॉस हो जाएगा, लेकिन ऐसी ऐसी नौबत हर रोज़ तो नहीं आती, न्यूज़ तो हर रोज़ नहीं आती, अचानक से कोई न्यूज़ आ गई, कोई फ्लक्चुएशन आ गया, चलो एक दिन लॉस हो गया, हर दिन तो लॉस नहीं होगा ना। अपना स्ट्रैटेजी के हिसाब से सब चल रहा है और अचानक से ट्रेंड चेंज हो गया, इट इज़ ओके, वन डे लॉस, बट वो लॉस लिमिटेड रखना चाहिए। अगर आप गैम्बलिंग माइंडसेट के साथ बैठ जाओगे कि अरे नहीं अभी चेंज हो जाएगा, अभी नीचे आएगा, अभी चेंज हो जाएगा, अभी नीचे आएगा, तो ऐसे माइंडसेट में बैठोगे तो आपके लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए गाइस, मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, आपका स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखो। मेरा आप 3 अप्रैल का वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा, मैंने अपना स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखा था, लाइक 11,000 का नुकसान झेलने की कैपेसिटी में खुद के माइंड को उतना ट्रेन करके मैंने वो स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखा था। अब स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा ये मुझे पता था, बीच में ऊपर गया 6,000 का नुकसान दिखा रहा था, बट आई वॉज वेरी काम एंड क्वाइट डेट टाइम एज वेल, पेशेंस के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि एक हल्का सा रिट्रेसमेंट है, वोलेटाइल मार्केट है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट रहेगा, तो ये चीज़ देख के मैं चुप रह गया, एंड रिजल्ट आपके सामने था। ये इसी वजह से क्योंकि 1:1 रेशियो था, उसके एक दिन पहले 11,000 का प्रॉफिट था, अगर उस दिन 11,000 का नुकसान होता मेरे पास क्या ट्रेडिंग के लिए बाकी के दिन भी तो रहते थे, तो उसमें तो प्रॉफिट कर लेता था। सो ये मनी मैनेजमेंट स्किल्स जो है, ये साइकोलॉजी जो है, ये बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। पेशेंस और कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप प्रॉपरली मनी मैनेजमेंट करोगे। अच्छा, अभी ये चार्ट पे मुझे एक और सिनारियो दिख रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आ रही है ग्रीन सिग्नल आ गया बाइंग साइड का, और यहाँ पे कैंडल ओपन हुई एकदम ऊपर, और ऊपर ओपन होने के बाद इधर इसने एक रेड जोन बना दिया। तो गाइस, जब ऐसा रेड जोन बना दिया है सो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा जैसा इंसान कन्फर्मेशन यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इसके लिए मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि ये कैंडल रेड बन गई। हाँ, ये ग्रीन के बाद यहाँ पे भी ग्रीन बनती तो मैं ट्रेड कर लेता। अच्छा, वो ग्रीन भी स्ट्रांग रहनी चाहिए। मैं एशियन पेंट्स में दिखा दूँ आपको 30 मिनट की कैंडल पे, आप देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि शायद प्रॉफिट नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक बाइंग सिग्नल आया, उसके बाद ये स्ट्रांग ग्रीन कैंडल बनी, और उसके बाद देख लो शायद से ज़्यादा देर नहीं चला है। लेकिन गाइस, यहाँ पे भी अपना प्रॉफिट होता है। क्यों? मैंने जैसे आपको बोला, जिस कैंडल पे आपको सिग्नल मिला उसके नेक्स्ट कैंडल के एंडिंग तक आप एंट्री ले लो। तो अगर यहाँ पे मैं एंट्री लेता हूँ, ये जो प्रीवियस कैंडल है, इस कैंडल का बॉटम, ये इसका अगर स्टॉप लॉस कंसिडर करूँ, ठीक है, मैं पहले इसको डिलीट कर दूँ। अगर इस कैंडल का बॉटम 40 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस है, तो अगर 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है तो टारगेट भी कितना रहेगा? ऑब्वियसली बात है 40 पॉइंट्स का रहेगा। तो अगर 1:1 रेशियो के हिसाब से देखूँ, आप देख सकते हो मेरा टारगेट एक बार नहीं अचीव हुआ, मतलब यहाँ पे मैं एग्जिट नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, नीचे आया, बाद में इधर तो अचीव कर ही लिया ना। सो जब आप 1:1 रेशियो के हिसाब से चलते हो, प्रॉपर एंट्री प्रॉपर एग्जिट करने के लिए कर चलते हो, तो आपको स्टॉक्स में रहे या फ्यूचर्स में रहे या कहीं पे भी रहे, आपको इसमें डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी। सो आई जस्ट होप कि आपको एंट्री और एग्जिट समझ में आया है गाइस, एंड आई रियली होप कि इसके बाद आप इसमें अच्छे से ट्रेड कर पाओगे और कोई भी मिस्टेक यहाँ पे नहीं होगी। अगर आपकी एंट्री गलत हो जाती है तो ही आपको लॉस बेयर करना पड़ेगा, या फिर मार्केट में अगर कोई न्यूज़ आती है तो ही लॉस बेयर करना पड़ेगा गाइस। टारगेट आप बोलते हैं ना, अरे ये नीचे जा रहा था तो आई जस्ट वेटेड कि और ज़्यादा लालच में और चार पैसे मिलेंगे, और ज़्यादा मिलेंगे, ऐसे आप मत कीजिए। आप कंसिस्टेंसी रखोगे, 1:1 रेशियो के फॉलो करोगे, तो ट्रस्ट मी गाइज, एट द एंड यू विल बिकम, मंथ एंड के बाद आपके पास अच्छा खासा अमाउंट रहेगा अकाउंट में। लेकिन अगर आप वैसा नहीं करोगे, अगर आप ये सोचोगे कि नहीं
आ रहा है, पैसा आ रहा है, यू नो। तो वैसे अगर सिचुएशन में रहोगे ना गाइस, लालच वाली सिचुएशन में, तो पैसा नहीं आएगा। आप खुद को डिसिप्लिन में रखो, आप पैसा कमा लोगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आई जस्ट होप कि आपके जो भी डाउट्स है ये क्लियर हुए हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस, मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, मैंने उस टेलीग्राम चैनल की लिंक डाली हुई है। टेलीग्राम पे दो चैनल्स है और एक ग्रुप है। अब गाइज व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं, हर किसी का अलग अलग डाउट रहता है, तो कैसा हो जाता है ना, बहुत टाइम पे हर एक का डाउट सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पाता, और एक का डाउट किसी दूसरे के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो मैंने क्या कर दिया है, मैंने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया है, डिस्कशन ग्रुप, जहाँ पे जिसका भी जो डाउट रहेगा वो वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकता है। किसी एक का क्वेश्चन शायद दूसरे के दिमाग में क्वेश्चन ऐड कर देगा, उसका आंसर देते टाइम पे सबके आंसर्स क्लियर हो सकते हैं। तो मैं तीनों के लिंक्स डाल रहा हूँ, मैंने लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अबाउट द टेलीग्राम चैनल, डे ट्रेडर AH नाम है उसका चैनल का। एक दूसरा चैनल है जहाँ पे ट्रेडिंग नॉलेज एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, तो यहाँ पे जो कुछ भी रिसेंट मार्केट में न्यूज़ आ रही है या फिर जो भी मुझे ऐसा लगता है कि ये नॉलेजेबल कंटेंट है, मैं वो कंटेंट पोस्ट करते रहूँगा ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आप वो चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, और ग्रुप में आप क्वेश्चंस पूछने के लिए वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। सेकेंड थिंग गाइज, आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर राइट नाउ दैट आई डोंट बिलीव इन गिविंग एनी कॉल्स। मैं इन चैनल्स पे अपने व्यूज रख सकता हूँ कि आज के दिन में मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है एज पर माई व्यू। अब ये व्यू वैसे का वैसे ही रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, आप इस व्यू को कंफर्म करके अगर आपको ट्रेड करना है, अगर व्यू वैसा चल रहा है और आपको ट्रेड करना है, आप वैसे ट्रेड कर सकते हो। बट आई बिलीव कि कॉल्स नहीं देने चाहिए, कॉल्स के भरोसे पे नहीं रहना चाहिए। कॉल्स इन द सेंस, आज आप ये बाय करो, आज आप वो बाय करो, ये सब मैं नहीं कर पाता। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज। मैं तीनों चीज़ों का लिंक डाल रहा हूँ, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, सो दैट मुझे कमेंट्स में बार बार व्हाट्सएप नंबर शेयर करने की नौबत नहीं आए। एंड गाइज, इफ यू रियली लाइक माई कंटेंट देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स अलॉट, आपने इतना प्यार दिखाया है उस चीज़ के लिए। आई जस्ट होप दैट अवर फैमिली ग्रोज बिगर एंड बिगर, एंड आई जस्ट होप कि मैं आपको ऐसे ही यूट्यूब के ज़रिए मैं आपको एजुकेट करते रहूँ। जितना भी मेरे पास नॉलेज है, जैसे मुझे वक्त मिलता है, मैं यहाँ पे डालते जाऊँगा। थैंक्स, दैट्स फॉर द डे गाइज, थैंक्स अ लॉट।